हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्री वीडियो में हमने आपको करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के एक स्टेंजा का एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताया था। आज हम आपको इसी पोएम का सेकंड स्टेंजा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति, अर्थात कौन सा व्यक्ति जो अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहता है, वह सभी सांसारिक बंधनों से, दासता की जंजीरों से मुक्त रहता है, होप टू राइज और तरक्की करने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होता, पतन से कभी फियर, भय नहीं खाता है, घबराता नहीं है, चाहे मुसीबत के दिन हो तब भी वो हिम्मत से काम लेता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड। ऐसे व्यक्ति के पास अगर बहुत सा भूखंड का वो स्वामी न हो, फिर भी हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, ही है तो उसके पास सब कुछ होता है, वह सब कुछ रखता है, अगर उसके अंदर ये सब क्वालिटियाँ होती हैं तो। स्टूडेंट, रेफरेंस में हमने प्री वीडियो में भी आपको बताया था, वही आपको रेफरेंस लिखना है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, टेकन फ्रॉम द पोएम, हमने बताया था पोएम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिस पोएम से लिया जाता है उसी को हम रेफरेंस के अंदर लिखते हैं और जिसने लिखा है उसका नाम भी लिखते हैं, कंपोज्ड बाई किसने कंपोज किया है इस पोएम को, हेनरी वाटर ने। ये आपका रेफरेंस का पार्ट है स्टूडेंट, रेफरेंस में यही लिखा जाता है कि कौन सी पोइम से लिया गया है और कौन इसके ओल्ड है। अब आएंगे स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या लिखना होता है, जिस संदर्भ में कहा गया है तो हम लिखेंगे इसमें द पोइट सजेस्ट्स How a man can lead a happy life? एक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है, ये इसमें आपका happy life। वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है, He gives up। क्या होता है स्टूडेंट, त्यागना होता है, गिव्स अप पैशन, सभी इच्छाओं को त्याग देता है। और इसमें क्या है, ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, वह सभी अफवाहों से दूर रहता है, ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, सभी अफवाहों से दूर रहता है। तो आप इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ही प्रेज टू गॉड एवरी डे, वह रोजाना ईश्वर की पूजा करता है, एवरी डे। तो ये इतना ही काफी है इसमें कॉन्टेक्स्ट में, आपने बता दिया कि इसमें कितना हमको लिखना है। अब आपके सामने आएगा इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या है इसकी स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम, द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि, अब इसी लाइन में हमने क्या बताया था, ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम किससे मुक्त रहता है, सर्वाइवल बैंड्स, इसका मतलब है चेन्स ऑफ स्लेवरी, दासता की जंजीरों से मुक्त रहता है स्टूडेंट, ही डज नॉट एंटरटेन द होप टू राइज, तरक्की के लिए राइज करने के लिए स्टूडेंट ज्यादा वो होप नहीं करता है, ही हैज नो फियर
टू फॉल, वह पतन से भी कभी डरता नहीं है। ही पजेसेस सेल्फ कंट्रोल, ही पजेसेस सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम होता है उसके अंदर, आत्मसंयम रखता है वो व्यक्ति। ही डज नॉट हैव वर्ल्डली थिंग्स, ही डज नॉट हैव वर्ल्डली, सांसारिक चीजें नहीं होती हैं उसके पास। ही डज नॉट हैव वर्ल्डली थिंग्स बट, फिर भी हमने अभी बताया, फिर भी उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। बट ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड लाइफ, लेकिन उसके अंदर अच्छा जीवन व्यतीत करने के सब कुछ होता है गुण। ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के उसके अंदर सब गुण मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, ये सभी के लिए मैंने सेकंड पैराग्राफ वो सॉरी स्टेंजा बताया, आपने सबने समझा होगा। और यहीं पर माय लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।